नमस्कार, मैं नीतु स्वागत करती हूँ आपका सीएफआई समाचार में। तो नजर डालते हैं आज के कुछ टॉप 10 हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना संकट की दूसरी लहर कहर भर पा रही है, ऐसे में जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। अब अमेरिका ने भरोसा जताया है कि वह तत्कालीन रूप से कच्चा माल भारत को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा रूस ने भी भारत को मदद करने के लिए खास विमानों के जरिए मदद भेजी है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। जिले के एक निजी अस्पताल के गहन देखभाल कक्ष आईसीयू में रविवार रात आग लगने के बाद कोविड-19 के 16 अत्यंत गंभीर मरीजों को बाहर निकाला गया और सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि सूरत के स्टेशन रोड पर स्थित बहुमंजिला इमारत के 5वें तल पर आयुष अस्पताल में रविवार रात 11:40 पर आग लग गई थी, जिसके बाद आईसीयू में भर्ती 16 मरीजों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। देश में कोरोना वायरस के दूसरे लहर ने हाहाकार मचा रखी है। जहां एक और लगातार संक्रमण के मामले सामने आते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संकट के इस दौर में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। सुंदर पिचाई ने भारत में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। वहीं दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला भी सहयोग के लिए आगे आए हैं। दिल्ली की एक अदालत में आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिंधु को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वो लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तिथियों पर ASJ की तरफ से नियमित जमानत दी थी। भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। कई मुल्कों ने भारत को मदद का हाथ दिया है, इनमें से संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE भी शामिल है। संकट की घड़ी में भारत की हिम्मत बढ़ाने के लिए UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से रंग दिया। मुसीबत की इस घड़ी में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से रंग UAE ने अपना प्यार और समर्थन जताया है। जम्मू क्षेत्र के जिला अधिकारियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे वाहनों को निर्बंध ढंग से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति पर यहां समीक्षा बैठक के दौरान जम्मू में संभागीय आयुक्त राघव लांगेर ने ये निर्देश दिया। पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना हुआ है। पाकिस्तान में शनिवार शाम को क्वेटा के बैंक कॉलोनी इलाके में लूट के दौरान एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि पाकिस्तान में पत्रकारों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। एक माह में पत्रकारों पर हमले की ये तीसरी घटना है। समूचे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों में बेड, डॉक्टरों व स्टाफ की कमी के कारण रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। इन विकट हालातों के बीच देश में IPL का आयोजन भी जारी है। 9 अप्रैल से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी अब घबरा रहे हैं। भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब वो टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं। हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर आज हो रहे हैं। 93 एकेडमी अवार्ड्स में हॉलीवुड की कई बढ़िया फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है। इसमें मैंक, साउंड ऑफ मेटल, नॉमैडलैंड, द फादर, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, मिनारी, जुडास एंड द ब्लैक मैसीहा और द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 शामिल है। ये इवेंट हॉलीवुड के फेमस डॉल्बी थिएटर में हो रहा है।
जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।